हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उदय शुक्ला, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल और कॉमन सिस्टम पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड थे अकाउंटिंग के सिलसिले में, उसके मैंने थ्योरी एस्पेक्ट बताया था। और आज जो मैं इस एपिसोड को लेके आया हूँ वो है आपका फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड अ क्वेश्चन एज वेल। आज फॉर्मेट के साथ साथ एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा आपको, उसको और ज्यादा सिंप्लीफाइड करके बताऊंगा एग्जैक्टली कौन सी चीज इसमें ऐड होगी, कौन सी चीज में माइनस होती है। ठीक है, इसमें एक एनालिसिस करना चाहूंगा कि बैलेंस शीट आप सभी जानते होंगे, जो कॉमर्स पढ़ चुका है मेरे सेम से या मेरे चैनल के पहले भी जो पढ़ चुका है उसे बैलेंस शीट अच्छी तरीके से पता है। और दूसरी चीज कहूंगा कि जिन्हें नहीं भी पता है बैलेंस शीट, उन्होंने मेरा इसका जो मतलब मेरे इसी सेक्शन में जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है फाइनल अकाउंट्स का, उसको आपने अगर देखा होगा तो आपको यहाँ पे जो बैलेंस शीट में बताने वाला हूँ वो समझ में आ जाएगी बड़े आराम से। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए देखते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, उसका एक फॉर्मेट और फिर उसी पे बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, स्टेडियो वेलकम बैक टू द लेक्चर। अब आपके सामने मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड, क्योंकि जनरली 31 मार्च होता है, मैंने तो फॉर्मेट आपके सामने रखा है। अब इसी फॉर्मेट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप पूरा, कि कौन सा फिगर क्यों आया और किस वजह से उसको माइनस या प्लस किया गया। सबसे पहले कैपिटल एसेट द एंड ऑफ द ईयर, ये तो वही है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, आपकी कैपिटल निकल के आएगी, आपने भाई जितनी कैपिटल लगाई, आपने जितना बिजनेस किया उसके बाद जितना उसमें सेटलमेंट हुआ उसका, वो आपका मेन फिगर यहाँ पे सामने आ जाता है। तो वो फिगर यहाँ लिख देंगे एट द एंड ऑफ ईयर। दूसरा है ड्रॉइंग्स को हम ऐड करते हैं, क्यों? वैसे हम जानते हैं कि एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स करते हैं, लेकिन जब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को बनाते हैं ना बॉस, तो उसमें थोड़ा उल्टा चलते हैं, यानी जो चीजें माइनस होती हैं वो चीज ऐड हो जाती है और जो चीजें ऐड होगी वो माइनस हो जाती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आई नो दैट, अभी इसको समझाता हूँ पूरी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 लाख की कैपिटल है, ठीक है, आपने 30,000 की ड्रॉइंग्स कर दी अपने बिजनेस में से, और वो ड्रॉइंग्स आपके मान लीजिए पर्सनल यूज के लिए थी, ठीक है, तो निकला तो बिजनेस है ना, तो वो 30,000 रुपए बिजनेस के कैपिटल में ऐड होगा क्योंकि वो आपको वापस देना है बिजनेस को, आपने पर्सनल के लिए निकाला और उसको एक्सपेंस कर दिया। हाँ, अगर बिजनेस के लिए निकालते तो भी बिजनेस में वापस डालना होता, लेकिन मैंने पहले बताया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में पर्सनल एक्सपेंस भी बिजनेस एक्सपेंस की तरह नोट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसमें डिसबैलेंस हो जाता है। इसी डिसबैलेंस को बैलेंस करने के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं। तो एक शॉर्ट ब्रीफ फिर दे रहा हूँ कि पहला कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर वो हमने दिखा दिया, 30,000 की जो ड्रॉइंग्स की थी उसको भी हमने ऐड किया, क्योंकि अगर वो 30,000 रुपये ना निकला होता तो बैंक तो ये जो बिजनेस की कैपिटल है ये और होती, ठीक। तो 2 लाख प्लस 30,000 हो गया, ठीक है, 2,30 हुआ। अब हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई थी 50,000 रुपए की, अगर वो 30,000 रुपए ना निकाले होते तो क्या इस 50,000 की जरूरत होती? नहीं। तो जहां हम एडिशनल कैपिटल नॉर्मल प्रॉपर रिकॉर्ड्स में, जिसमें हम सिंगल एंट्री सिस्टम की सेंस में देखते हैं, या फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मैंने लास्ट लेक्चर बताया था, या तो सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं या फिर पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंसेस में नोट कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर डेबिट क्रेडिट वो भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक। तो वही मेन चीज यहाँ है कि इसमें अगर हमने 2,30,000 किया था तो उसमें 50,000 की अगर मैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई थी उसे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि इस 30,000 को निकालने की वजह से हमें उस 50,000 की जरूरत पड़ी, ठीक। मैं इसको लेमैन सेंस में इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि अगर जो मेरा वीडियो पहली बार देखने जा रहे हैं उन्हें ये चीज समझ में आ जाए, ठीक। तो 2,30 हुआ, इसमें से हम 50,000 रुपए माइनस करके दिखाएंगे, क्योंकि भैया 30,000 रुपए ना निकाले होते तो 50,000 की जरूरत ना पड़ती, 30,000 ऐड कर दो, ठीक है, अकाउंट्स में वो बैलेंस कर देगा और 50,000 रुपए माइनस कर दो, ठीक। अब हमारे पास कितना अकाउंट बचा, 2,30 में से जब 50,000 रुपए माइनस होंगे तो कितना बचता है, 1,80,000 ना, ठीक है। अब 1,80,000 में से मान लो अभी कैपिटल एट द बिगिनिंग थी 1,20,000 रुपए, ठीक है, तो कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर क्या है, 1,80,000 रुपए, ठीक, और एट द बिगिनिंग कितनी थी, 1,20,000 थी। अब इस 1,80,000 में से 1,20,000 माइनस कर दोगे तो कितना आंसर आएगा, 60,000, यानी 60,000 हमारे पास ज्यादा कैपिटल है, यानी तरीके से हमने जब बिजनेस किया जो भी हमने मतलब ऑपरेशन किए बिजनेस के उससे हमें 60,000 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है।
तो प्रॉफिट केस क्या बना, 60,000 का बना। ठीक, तो सेम वही चीज यहाँ भी है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर उसको लिखा, फिर हमने ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर उसको ऐड कर दिया, एडिशनल कैपिटल जो कि इंट्रोड्यूस कराया जिसको हमने माइनस कर दिया। ठीक, क्योंकि ना निकालते पैसा ना ज्यादा पड़ती एक्स्ट्रा कैपिटल की, 50,000 माइनस एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर 180,000 जो मैंने पहले बताया था, और फिर लेस करेंगे कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मतलब 1 अप्रैल को ही तो हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट होता है ना बॉस, तो 120,000 1 अप्रैल को था, हमने उसमें निकाला, उसमें से माइनस कर दिया, किसमें से, इस वाले फिगर में से, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, इसमें से माइनस किया, जो भी आंसर आएगा, अगर मान लो ये कैपिटल इससे यानी एट द स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से अगर कम होती है तो लॉस में जा रहे हो बॉस, क्योंकि आपने बिजनेस अफेयर ठीक से कंट्रोल नहीं किए। लेकिन अगर ये वाला फिगर यानी एट द एंड ऑफ ईयर इससे ज्यादा है तब आप प्रॉफिट केस में हो। ठीक है, तो ये तो था एक फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अब बैलेंस शीट भी देखते हैं, बैलेंस शीट भी सेम है, इसमें बस एक ही चीज ऐड हो जाती है, वो है कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर, तो उसको भी दिखाई देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे इसके न्यूमेरिकल सेक्शन। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। अब आपके सामने रख रहा हूँ बैलेंस शीट का वो फॉर्मेट जो कि इसके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट की ठीक बात बनेगा, कुछ खास चेंजेस नहीं है, सारे हेड्स वही हैं, जो आप लायबिलिटीज एसेट्स जानते हो सब वही है, बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स, मतलब पहले मैं लायबिलिटी साइड पढ़े देता हूँ उसके बाद फिर एसेट साइड पे आएंगे। तो लायबिलिटी साइड में हम फंड अकाउंट्स में के वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये सब होते हैं, बस एक हेडिंग इसमें ऐड हो जाती है, वो है कैपिटल की जो कि बैलेंसिंग फिगर होता है। ये बैलेंसिंग फिगर आपका दोनों साइड के टोटल को देख के आएगा। ठीक है, अगर इसी कंडीशन बता देता हूँ कि अगर आपका लायबिलिटी साइड एसेट साइड से बड़ा है तो ये एक लॉस गिविंग इंडिकेशन यानी एक डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट है, और सबसे पहली चीज डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक, तो अगर लायबिलिटी साइड आपका बड़ा है एसेट साइड से कंपैरिजन में, तो इसका जो क्या कहते हैं जो अमाउंट है वो आपके एसेट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक, क्योंकि वो आपका डेबिट बैलेंस, आपको उसकी रिकवरी करनी है। लेकिन अगर वाइस वर्सा केस है तो फिर वो इधर आएगा, प्रॉफिट केस है तो इधर आएगा। ठीक है, अगर आपका एसेट साइड ज्यादा है लायबिलिटीज कम है तो वो उसका जो जो भी बैलेंसिंग जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका इधर आएगा, डेबिट साइड सॉरी लायबिलिटी साइड में आएगा इन द फॉर्म, क्योंकि प्रॉफिट हमारा अगर नॉर्मल बैलेंस शीट देखो तो उसमें क्या होता है, कैपिटल सबसे पहले दिखाते हैं, फिर एड नेट प्रॉफिट, फिर लेस ड्रॉइंग्स होता है, जब नेट प्रॉफिट है तो उसको हम लोग हमेशा जिम्मेदारी के सेंस में लेते हैं, नेट प्रॉफिट भले हमारी अर्निंग है लेकिन उससे हम क्या करते हैं, फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं और फ्यूचर नीड्स के साथ साथ जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन्हें उनका रिटर्न देते हैं। इस वजह से अगर ये बड़ा है और ये छोटा है यानी एसेट्स बड़ा है और लायबिलिटीज छोटा है तो वो लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर लायबिलिटीज बड़ी है और एसेट साइड छोटा है तो फिर वो एसेट साइड में जाएगा। ठीक है, और इसी हेडिंग से जाएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ठीक, ये था आपका पूरा फॉर्मेट जो मैंने बताया, आप इसी के बेस पे आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, उसको देखिए सीखिए एंजॉय कीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो इस वीडियो के लास्ट में आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। सो नाउ इट्स टर्न फॉर द क्वेश्चन जो आई वांट टू एक्सप्लेन, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है क्योंकि ताकि आपको हर एक चीज क्लियर कर सकूं, तो ये वही एग्जाम्पल है जिसके बारे में मैंने अभी फॉर्मेट बताते समय आपको एक्सप्लेन किया था, उसी को मैंने उठा करके डिप्टो यहाँ पे कॉपी मारा। सबसे पहले एक क्वेश्चन मेरे सामने है, इसमें कहा है कि कैपिटल 31 मार्च जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड का डेट होता है उसमें 2,00,000 थी। ठीक है, फिर हमने इसमें ड्रॉइंग्स ऐड कर दिया, क्योंकि ड्रॉइंग्स दो तरीके की हो सकती है, एक पर्सनल हो सकती है और एक बिजनेस के लिए हो सकती है, चाहे जो भी ड्रॉइंग्स हो, चाहे पर्सनल हो चाहे बिजनेस के लिए हो, आपको उसे बिजनेस को वापस करना होता है, तो बिजनेस उसे जोड़ के ही देखता है, और अगर मान ड्राइंग्स निकाल ली हैं तो आपको वापस जब उसमें जमा करोगे तो वो ड्राइंग्स अकाउंट के थ्रू ही जाएगी कि भाई इन्होंने ड्राइंग की थी यानी आर्न किया था बिजनेस से, अब ये वापस दे रहे हैं, तो उसने उन्होंने ऐड किया। ठीक, फिर बैलेंस कितना बना, 2,30,000 का बना। अब एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस कराई गई, उसको हमने 50,000 माइनस कर दिया, क्योंकि इसके अगर फॉर्मुलाइजेशन में देखा जाए तो फॉर्मुलाइजेशन में है कि अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी निकालना है तो कैपिटल एट द एंड, फिर माइनस करते हैं कैपिटल एट द बिगिनिंग, प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स,
और फिर माइनस करेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो एंड कैपिटल है वो तो मेंटेन रहेगी, लेकिन एट द कैपिटल इन द बिगिनिंग और कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर ये दोनों माइनस हो जाता है। माइनस इस वजह से होगा क्योंकि जब भाई जाहिर सी बात है हम इसमें उल्टा थोड़ा चलते हैं, जो नॉर्मल अकाउंट्स उसमें हम जितने भी वो है क्या कहते हैं एडिशनल कैपिटल या एडिशनल लिक्विडिटी है उसे ऐड करके चलते हैं, लेकिन जब इसमें इम्पर्सनल रिकॉर्ड हो जाते हैं सॉरी इन प्रोफेशनल रिकॉर्ड हो जाते हैं, प्लस दूसरी बात आप इसमें पर्सनल रिकॉर्ड्स भी इंट्रोड्यूस करने लग जाते हो या इंसर्ट करने लग जाते हो, उसकी वजह से अकाउंट्स में मिसमैच शुरू होता है। इस मिसमैचिंग की वजह से हमारा मेन है कि हमने जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, उसको माइनस करके दिखाते हैं, और जो ड्रॉइंग्स निकाली थी उसे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे कैपिटल 50,000 की लगाई थी, माइनस कर दिया 180,000 आ गया। ठीक, फिर कैपिटल इन द बिगिनिंग, अब देखो सीधी सब बात है कि भाई एंड में कैपिटल 200,000 थी, उसके बाद 30,000 का ड्राइंग हमने उसमें ऐड कर दिया, यानी जितने भी अफेयर्स थे उनको करने के बाद हमारे पास जो कैपिटल एट द एंड बची वो कितनी थी 180,000, यानी ये सारे बिजनेस ऑपरेशंस करने के बाद हमारे पास 180 बच रहा है। अब जो कैपिटल बिगिनिंग में थी हम उसको माइनस कर देंगे, भाई अगर हमें प्रॉफिट देखना है कि हमें कितना हुआ तो हमारी जो बिगिनिंग कैपिटल थी उसको हम अपनी एंड कैपिटल से माइनस कर देते हैं। ठीक, माइनस करोगे तो 180 में से जब 120 माइनस होगा तो आंसर आएगा 60,000 का, जो कि हमें प्रॉफिट गिवर दिखा रहा है। शुरुआत की थी 2 से, सारे अफेयर्स उसमें से एडजस्टमेंट करते चले गए और फाइनली आंसर क्या निकला, प्रॉफिट कितने का निकला, 60,000 का। ठीक, तो पूरा अकाउंट आपके सामने मैंने रखा हुआ है, एक बार इसे पढ़े देता हूँ दोबारा। कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2014 200,000, फिर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 30,000 जिसको हमने ऐड किया, फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है, ये भाई अगर 30,000 का विड्रॉल ना किया होता तो शायद इसकी जरूरत ना पड़ती। ठीक, हमने उसको इंट्रोड्यूस करा उसमें से माइनस कर दिया, अब हमारे पास एग्जैक्ट कैपिटल कितनी बची, 180,000, इसमें 30,000 उसका जुड़ा हुआ है, ये ड्रॉइंग जुड़ी हुई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो ये हुआ 180,000 का बैलेंस है जो कि एडजस्टेड कैपिटल एट दी एंड था, यानी 31 मार्च 2014। फिर आइए देखते हैं, फिर लेट्स करें कि कैपिटल इन द बिगिनिंग, भाई बिगिनिंग में क्या कैपिटल थी उससे हमको मतलब हम नहीं रहा, लेकिन उसको माइनस करेंगे इस वाले एंड फिगर से ताकि हमें हमारी प्रॉफिट कंडीशन पता चल सके, और माइनस करने में प्रॉफिट कंडीशन आई 60,000 रुपए। ठीक, जो कि हमारा क्या था, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर था। I think it's damn clear to you that how they have adjusted the figures and how the profit is calculated out of the given information. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में आपके लिए एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें एक और क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ताकि आपके लिए हर एक चीज और अच्छे से साफ हो जाए। तो तब तक इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, इनफैक्ट कीप वॉचिंग योर चैनल, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट माई चैनल, इट्स योर्स टू। आप हैं तो मैं हूं और हम हैं तो ये चैनल। ठीक है, तो कीप एंजॉयिंग, कीप लिसनिंग टू मी एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस ऑफ विजुअल कॉमर्स विस्टा, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द कंटेंट ऑफ विजुअल कॉमर्स विस्टा टू अदर्स ऑल्सो, सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम द चैनल विच यू एंड मी आर फॉलोइंग एंड डूइंग। थैंक यू सो मच।